ओहो, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। आग लगा दी, आग लगा दी भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आए हैं रामपुर में शाबाद गेट पे, एक बहुत ही यूनिक जगह पे। बहुत पुराना एक आउटलेट है यहाँ पे जो चाइनीज आइटम्स में डील करता है। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन आइटम बनाते हैं। इनके जो मेन आइटम है ना, वो बर्गर हुआ करता था किसी ज़माने में, जो बहुत मशहूर था। हम भी बहुत खाते थे यहाँ आके, लेकिन अब जो है ये हल्के हल्के ग्रो कर गए हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन कर ली हैं। मिलते हैं इनसे, बातचीत करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या नई चीज़ें मिल रही हैं। मैं भी टेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने भी नई चीज़ें इनकी टेस्ट नहीं किया। चलो, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा आपको महेश सर। महेश भाई, कुछ बताइए अपने चाइना टाउन के बारे में। भाई, ये 12 से शुरू किया हमने, 2012 में। क्या बात है, 10 साल हो गए। 2012 में या 13 में जब हम आना शुरू किया था हमने, हम जब आते थे, हमें अच्छे से याद है। आपका बर्गर बहुत फेमस होता था, हल्के हल्के फिर आपने ऐड ऑन किया बर्गर। इनफैक्ट आज भी बहुत बढ़िया हो गए, इसमें दो राय नहीं है। हमने खाया भी था पीछे, बहुत बढ़िया बर्गर था। तो ये जो आइटम का दिमाग में आया आपके, या फिर ये सब चीज़ आपने शुरू करी कैसे? ये पहले तो बहुत काम किया, कई जगह बाहर स्ट्रगल भी किया, काम भी किया लाइफ में ना। फिर उसके बाद अपने करने का वो हुआ, फिर हमें रामपुर देखा, तो उसके बाद फिर अपने सेटअप हो गया, होते चला गया उसके बाद। तो क्या बात है, तो बेसिकली कहाँ से आओ? बेसिक नेपाल से। नेपाल से जी। तो अभी क्या क्या आइटम बेच रहे हैं भैया? अभी तो बहुत कुछ है हमारे पास, मेनू कार्ड है, बस में चाउमीन है, फ्राइड राइस है, हाक्का नूडल्स भी है, हाक्का उसमें भी आता है, सब कुछ है, बर्गर है। तो बेसिकली हम सबसे फेमस हुए बर्गर के नाम से, बर्गर के बेच रहे हैं ना। बाकी सब कुछ टेस्टी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन हमारा जो वो है वो बर्गर ही है। बर्गर ही है तो बेस्ट सेलिंग आइटम भी आपका बर्गर ही है? स्पेशल हमारा बर्गर ही है। क्या बात है, यही आउटलेट है या इसके अलावा भी कहीं आप? नहीं है, मुरादाबाद में भी है। ताकि आपका भाई अभी अयोध्या में है, उधर भी कर रहे हैं सेटअप। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया महेश भाई। चलिए महेश भाई, क्या क्या टेस्ट करवाना चाहेंगे? जो आप चाहेंगे खा लीजिए, आप सब कुछ टेस्ट। बेस्ट सेलिंग आइटम है बर्गर, ले लीजिए पहले तो बर्गर ले लीजिए। बर्गर और आप नूडल्स, नूडल्स ट्राई करें, मोमोज ट्राई करें, हर चीज़। मतलब क्या बात है, आपकी रिकमेंडेशन है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाई, हमने ऑर्डर कर दिया है चाउमीन, हाँ, और बर्गर ऑर्डर किए हैं, और उसके साथ हमने चिली पटेटो ऑर्डर किए हैं जो बड़े फेमस हैं यहाँ के, और सिग्नेचर डिश जो है वो बर्गर है। तो बर्गर भी अभी तैयार होगा, फिलहाल ये चाउमीन तैयार हो रही है। क्या बात है, ये देखो जी, ये देखो, हाँ, ये कारीगरी है भाई, बहुत गजब। चाउमीन चली गई, बहुत बढ़िया, सारे मसाले डाल दिए हैं। वाह 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 वाह, वही वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, तेज आंच में एकदम सेकेंगे भाई, हाँ हाँ हाँ, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। क्या बात है, सर्व हो रही है जी हमारी चाउमीन, बहुत बढ़िया, साथ में
सॉस। ये क्या क्या है भैया, क्या डाला है? मंचूरियन ग्रेवी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, मंचूरियन ग्रेवी है भैया बता रहे हैं। बर्गर बनना चालू हो गए हैं ये हमारे। पनीर भी लगाते हैं भाई। ओहो हो भाई वाह, 35 रुपये में क्या लोगे यार, कितना सब कुछ दे रहे हैं भाई, बढ़िया भर भर के। ओहो हो, पत्ता गोभी बढ़िया, क्या बात है। दही क्रीम, ओहो, अरे भाई सॉरी, क्रीम भी लगा दी भाई, वाह 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 वाह। सिर्फ 35 रुपये का है भाई ये जो बन रहा है। चीज़ भी लगा दिया भाई, वाह वाह वाह। तो चीज़ वाला बर्गर कितने का होता है आपके पास? वाला होता है 50 का, क्या बात है। चीज़ वाला बर्गर होता है 50 का, और वैसे नॉर्मल जो होता है वो 35 का होता है। 30 का होता है, अरे वाह वाह भाई, 30 में तो भाई बहुत कुछ देते हो आप यार, बहुत बढ़िया। ये भैया एल्यूमिनियम फॉइल में बढ़िया पैक करके, हाँ हाँ ये हो गया जी रेडी। अच्छा ये फिनिशिंग के लिए क्रीम और केचप लगा देते हैं ऊपर से, क्या बात है। ये हो गया जी सर्व, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू। अभी एक हाँ जी, हमारे पास सर्व हो गया है चाउमीन, और उसके साथ है चिकन बर्गर। ठीक है, ट्राई करते हैं चाउमीन, ट्राई करते हैं उसके बाद। बर्गर तो मैंने खाए यार, और जो भी टेस्ट है मैं आपको चाउमीन का बताता हूँ। बर्गर का टेस्ट तो भाई बहुत लाजवाब होता है, बहुत बढ़िया होता है। बाकी हमारे चिली पोटैटोज वहाँ तैयार हो रहे हैं, जैसे वो आ जाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलो चाउमीन देखते हैं पहले, चाउमीन क्या बोलती है। मंचूरियन सॉस दिया है साथ में, चाउमीन तो बढ़िया है यार। ये देखो, जो एकदम लाइट चाउमीन होती है ना वो है, मोटी वाली नहीं है। मोटी वाली होती है थोड़ी अजीब सी लगती है, खाने में भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये लाइट वाली है, और सॉस के साथ देखते हैं कैसी लगती है। ये गाजर डाला है इन्होंने इसमें, पत्ता गोभी है। ठीक है, देखते हैं। बहुत बढ़िया यार, मंचूरियन सॉस बहुत बढ़िया इनका, तीखा एकदम बढ़िया। साथ में चाउमीन के ऊपर जो इन्होंने और जो मसाले डाले हैं ना वो भी बहुत बढ़िया है यार। बहुत उम्दा यार, बहुत उम्दा चाउमीन, बहुत लाजवाब है। ये लगभग हाफ के आसपास है, हाफ से भी कम है, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए लिया, बाकी पैक करा लिया। हाफ से भी कम है ये क्वांटिटी, लेकिन आप क्वांटिटी देख सकते हो, क्वांटिटी भी अच्छी दी है इन्होंने, और जो टेस्ट है वो तो है ही लाजवाब यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इन्होंने जो सॉस दिया है ना अपना, वो ट्राई करते हैं एक बार, सॉस कैसा है इनका। बहुत बढ़िया, ये ना वो सॉस है इनका जो बनाते हैं, ये अपने ही बनाते हैं, उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है। स्पाइसी है सॉस, ये अपने मसाले हैं, मिर्चें हैं, सारी ये चीज़ें, टमाटो वगैरह डाल रखा है। बाकी मंचूरियन सॉस भी बहुत अच्छा है इनका, बहुत टेस्टी है। ये है जी बर्गर, चीज़ देख सकते हैं आप, बाकी सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखाए अभी इसकी मेकिंग में। फिलहाल इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है। हाँ मिर्चें अब लगी हैं भाई मेरे, या तो उसकी हैं या इसमें किस चीज़ में पता नहीं मुझे, लेकिन अब लग गई मेरे मिर्चें बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, लेकिन बर्गर टेस्टी है यार, जो इनके वही सॉस है ना जो क्रीम डाली है, उसके साथ चीज़ जो आ रहा है भाई, क्या ज़बरदस्त बाइट आ रही है, बता नहीं सकता मैं आपको।
बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, इसका जो टेस्ट है ना, अगर आप किसी बड़े आउटलेट में भी चले जाओगे उससे भी बहुत बेहतर है यार। ये 50 रुपये में इन्होंने चीज़ वाला दिया है, और नॉर्मल जो है वो 30 रुपीज़ का है। बहुत बढ़िया, बड़ी नॉमिनल प्राइस है यार, बहुत नॉमिनल प्राइस है। और नॉमिनल प्राइस के अलावा जो आइटम ये सर्व कर रहे हैं ना, ये देखो आप कितनी बेहतरीन है, कितना कुछ डाल के दे रहे हैं उसमें। आप एक बार खाना शुरू करोगे ना भाई, रुक नहीं सकते आप जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं चिली पोटैटो आ रहे हैं। चिली पोटैटो आएंगे तो आपको दिखाता हूँ, जब तक ये फिनिश करता हूँ फटाफट से। भाई अब बन रहे हैं चिली पोटैटो हमारे। ठीक है भैया से मैंने बोल दिया, भैया स्पाइसी थोड़ा कम रखना है ना। क्या हुआ था, इनका जो सॉस है ना वो थोड़ा स्पाइसी है, तो मैंने बोल दिया भैया को थोड़ा कम रखेंगे स्पाइसी। क्या बात है, प्याज और कैप्सिकम डाल दिया, बहुत बढ़िया। और तेल में होगी बनाई अदरक लहसुन का पेस्ट। ओहो बहुत गजब, बहुत बढ़िया। आग लगा दी, आग लगा दी भाई। ये जी चिली पोटैटो के लिए पोटैटो तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। ये फुल प्लेट है भैया, है ₹80 में फुल प्लेट, बहुत अच्छी क्वांटिटी दे रहे हैं भाई। ये देखो सॉस तैयार हो गया, लगभग ग्रेवी जो है उसकी, इसमें पोटैटो डाले जाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। ओहो 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 भाई साहब, भाई साहब कलाकारी भाई, कारीगरी है, देखें आप। ओहो क्या बात है, हो गया रेडी, सर्व करने के लिए तैयार हैं। फुल प्लेट ये इसमें आएगी, ये देखें आप। ओहो ओहो हो, बहुत बढ़िया यार, ऊपर से डाल दिया सीड्स, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू जी, चिली पोटैटो आ गए भाई हमारे पास, ट्राई करते हैं चिली पोटैटो। देखने में तो बहुत टेम्पटिंग है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। टेस्ट देखते हैं इसका, टेस्ट कैसा है भाई। बहुत उमदा, बहुत उमदा भाई, बहुत बढ़िया, मस्त ट्राई है भाई, मस्त ट्राई है। क्रिस्पी है भाई, जो पोटैटो है बहुत क्रिस्पी है। जो सॉस है, मैंने भैया को बोला था लाइट बिल्कुल लगना, बिल्कुल लाइट है, लेकिन जो टेस्ट है क्या टेस्ट आ रहा है, ज़बरदस्त। और ऊपर से जो सीड डाले हैं ना सेसमी सीड्स, उसकी वजह से तो और ज़्यादा केस खुल रहा है। बहुत उमदा। बाकी इनका जो सॉस है उसके अलावा जो इन्होंने स्पाइसी सॉस डाला है अपना, वो भी बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है। बाकी और जो चीज़ें इन्होंने डाली हैं, सॉस डाला है भाई, बहुत लाजवाब है, बहुत अल्टीमेट है, मज़ा आ गया टेस्ट में, मैं क्या ही बताऊँ आपको भाई, फ्रेंकली बताऊँ आपको, दिस इज़ मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग जो लोग रामपुर से देख रहे हो ना भाई, चिली पोटैटो खाने का दे लो, कहीं मत जाना भाई, सीधे यहीं आना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नॉमिनल है। ये फुल प्लेट है 80 रुपीज़ की है, और जो हाफ है वो 50 रुपीज़ की होती है। 80 रुपीज़ में इनफ है भाई, ये दो लोग आराम से खाएंगे इसको, बहुत टेस्टी है। हेलो मैम, क्या नाम है मैम आपका? सीमा आनंद। सीमा जी, सीमा जी कब से आ रही हैं आप, रेगुलर कस्टमर है या नहीं, पहली बार आई हैं? नहीं रेगुलर कस्टमर हूं, हफ्ते में एक बार तो आई जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, तो आप तो फ्रीक्वेंट हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेस्टी होता है इनका फास्ट फूड, बहुत बढ़िया होता है। क्या बात है, क्या आपको पसंद है यहाँ पे सबसे ज्यादा? चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल सर। थैंक यू, पसंद है, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी भाई, क्या नाम है भाई आपका?
मेरा रेहान नाम है। रेहान भाई मतलब कब से आ रहे हो यहाँ पे आप, पहली बार आए हो या आते रहते हो? नहीं मैं आता रहता हूँ, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ क्या आते रहता हूँ। क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ माशाल्लाह से मोमोज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और ज़्यादातर मैं मोमोज ही खाता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है इनके बर्गर, बर्गर ही बहुत अच्छे हैं। क्या बात, फर्स्ट टाइम जो है मंचूरियन ले रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। क्या बात है, चलो शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू भैया आपका। मेरा पवन कुमार जी नाम है। अच्छा क्या बात है भाई, आते रहते हो हम यहाँ पे, पहली बार आए हो? मैं 10 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हो जी? अरे भाई साहब क्या कस्टमर है भाई, रेगुलर जी? रेगुलर। क्या पसंद है आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट बर्गर है। बर्गर सबसे बेस्ट लगता है, वो तो खैर है ही बेस्ट, इसमें दो राय नहीं है। बाकी नूडल्स मोमोज सभी कुछ अच्छा ही मिलता है। क्या आप सबसे ज्यादा क्या खाते हो यहाँ पे? मैं ज्यादातर यहाँ नूडल्स खाता हूँ या मोमोज खाता हूँ, बर्गर तो खाते ही खाता हूँ। क्या बर्गर तो खाना ही है मतलब है। क्या बात है, क्या बात, चलो शुक्रिया बहुत बहुत। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है यार, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार दिया आपने। ऐसे प्यार देते रहिए, नए नए ब्लॉग लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।